नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। प्रशांत किशोर का एक बयान आया था कि ना नीतीश कुमार को आरजेडी से मतलब है, ना तेजस्वी यादव से मतलब है, ना बिहार की जनता से मतलब है। उसी पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जोरदार हमला बोला और साफ साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है सीएम पद को चुनना। जनता जिसको अधिकार देगी, जनता जिसको वोटिंग करेगी, वही सीएम पद का उम्मीदवार होगा। और ऐसे नेता के बहसबाजी करने से, ऐसे नेता को कहने से सीएम नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। प्रशांत किशोर ने सवाल किया है और कहा है कि ना नीतीश कुमार जी को आरजेडी से मतलब है, ना तेजस्वी यादव से, सिर्फ उनको 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना। देखिए, मुख्यमंत्री को बिहार की जनता तय करती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जिसको चाहती है मुख्यमंत्री बनाती है और जिनको जनादेश मिलेगा वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बहुत सारे नेता इधर उधर की बात चलाते रहते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बात चलाते हैं, उसका क्या मतलब है? जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता किसको जनादेश देती है, जनता किसको पसंद करती है, और जिसको जनता पसंद करती है वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये नेता के बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाले नीतीश कुमार जी को नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है, ए भाई जरा इसको खोल दो ना जरा सा। हैं, फिर से बोलिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग जो 23 तारीख को बैठक किए थे वो फोटो से संधा उससे कुछ नहीं है, 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी एक साथ खड़ा हो गए। देखिए, भ्रष्टाचार पर तो जब बहस होगी तब पता चलेगा कि देश में भ्रष्टाचारी कौन लोग हैं, लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो इससे तो अंदाज लगता है कि भाजपा में जितने लोग हैं सब दूध के धुले लोग हैं और दूसरे पार्टियों में जितने लोग हैं वो सब बेईमान हैं, वो गलत आदमी हैं। तो ये तो आरोप लगाने वाले अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनको पहले निष्पक्षता पर ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं उसको निष्पक्ष बनाने की पहले कोशिश करना चाहिए, तब ये सब तरह की बात बोलनी चाहिए। भाजपा में चला जाइए, भाजपा में चले जाइए तो आप दूध से दूर धुल गए। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा वाशिंग मशीन है कि उनके पास जो जाता है वो सत्य हरिश्चंद्र निकलता है और दूसरे के पास जाता है तो वो गलत निकल जाता है। तो गलत और सही में के मापदंड की देश में समीक्षा हो रही है और देश की जनता समीक्षा कर रही है और 2024 का इंतजार कर रही है देश की जनता कि आपने जो काम किया है 9.5 साल में वो सारा चीज़ का लेखा जोखा बिहार की जनता और देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में इनका बिल्कुल सफाया होगा, तभी देश का संविधान बचेगा। संविधान पर जो संकट है, देश में जो गरीबों पर जो संकट है, देश में जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इस सब पर तभी न्याय मिलेगा जब 2024 में भाजपा से भारत मुक्त होगा। पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि बहुत जल्द तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल के सलाखों के अंदर वो डालेंगे। ये उनकी मर्जी, जिनको चाहे ले जाए, वो सदाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, वो तो उनकी मर्जी है। तो यही मर्जी के खिलाफ तो देश की जनता देख रही है कि 2024 में इनके सारे कारनामे के विरुद्ध 2024 में इनको भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, देश की गद्दी पर से हटा दिया जाएगा, आज भाजपा से भारत मुक्त हो जाएगा। शिक्षक भर्ती में जो नियमावली बदला गया है कि बाहर के भी लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे, उसको लेकर के यहाँ पर जो स्थानीय शिक्षक अभ्यर्थी संघ है वो विरोध कर रहा है। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता का होता है और जनता किसे चुनेगी और जनता किसे वोटिंग करेगी वही सीएम पद या पीएम पद का उम्मीदवार होगा। साथ ही बीजेपी के बयानों को लेकर कहा है कि भ्रष्टाचारी कौन लोग हैं ये बहस करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लोग दूध के धुले हो और बाकी लोग भ्रष्टाचारी और बेईमान हैं। धन्यवाद, ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब।